ये देखें जी, यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। ऊपर आ चुके हैं हम और ग्रीनरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और ये फूल देखें आप, ये माशाल्लाह, इसका नाम तो मुझे फूल का नहीं पता, लेकिन देखें कितने प्यारे हैं ये फूल। तो इस टाइम मैं काफ़ी हाइट पे आ चुका हूँ। वो देखें जहाँ से मीटर हुए थे, और फिर ये सड़क देखें कैसे बल खाती हुई ऊपर वाली साइड पे आ रही है, और वो सामने रनवे, और ये दरिया, और इस तरफ ये चित्राल का सिटी है। और ये बारात आ रही है किसी गांव के अंदर, और ये बच्चे और ये मोटरसाइकिल वाले, ये क्या सीन है मुझे समझ नहीं आ रहा। ये देख लें जी, शादी से पहले क्या सिस्टम हो रहा है इधर। अस्सलाम वालेकुम, नेशनल पार्क जाना है, सीधा जाओ। ये इधर क्या है, इधर शादी है, ये इतना रश बना हुआ है इधर तो। अच्छा, ये सारे गांव वाले इकट्ठे हुए हैं इधर। सही सही सही, नहीं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। तो ये देखें जी, चित्राल के अंदर शादी है, और ये यहाँ का कल्चर है। देखें शादी से पहले ही जो है ना, बाहर यहाँ पे मिठाइयाँ, दूध और ये हार और वो टॉफियाँ वगैरह रखी जाती हैं। तो और पीछे से अभी बारात आ रही है, तो ये उनका इस्तकबाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मोहम्मद अदनान। अदनान जी, पंजाब लिया। तो इस टाइम हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं, और ये नीचे देखें ये चित्राल, और वहाँ से दरिया चल रहा है वो देखें आगे से। तो वहाँ पे इसका जो मेन गेट था वहाँ पे लगा हुआ था, तो वहाँ पे हमारी एंट्री हुई है। उन्होंने नाम पूछा है और गाड़ी का नंबर लिखा है, तो वापसी पे भी वहाँ पे शायद कोई होगा सीन, ताकि पता चल जाए कि बंदा वापसी खैर खरी से वापसी आ गया है। और फिलहाल ये बाजू देखें मेरे कैसे रेड हो चुके हैं, तो शर्ट चेंज करता हूँ, उसके बाद आगे निकलते हैं, क्योंकि इस शर्ट के साथ ये देख लें दो रंग बन गए हैं जिस्म के, ये वाइट और ये रेड हो गए मुकम्मल जो है ना। यानी कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा जलन हो रही है ना मुझे, चेहरे पर तो मैंने सन ब्लॉक लगा लिया था, लेकिन बाजू के ऊपर तो बंदा नहीं लगा सकता। तो अभी शर्ट चेंज करते हैं, शर्ट चेंज करके फिर ऊपर जाते हैं। और ये यहाँ से हो गए रास्ता, वहाँ से हो के ऊपर से हो के वो ऊपर टावर लगा हुआ है, तो यहाँ से तकरीबन 45 मिनट हमें लगने ऊपर जाने को। तो जाके देखते हैं जी ऊपर का व्यू। तो शर्ट मैंने पहन लिया है, तो अभी जो है ना कुछ बाजू को सुकून आ चुका है, और वो एयरपोर्ट है चित्राल का। सुना है कि आज संडे है, ऊपर काफ़ी ज़्यादा रश होना है टूरिस्ट का, क्योंकि नीचे आज गर्मी है और ऊपर मौसम काफ़ी बेहतर है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, छुट्टी वाले दिन ऊपर चले जाते हैं एंजॉय करने के लिए। तो ये तो जाके देखेंगे ऊपर का क्या वेदर कैसा है वहाँ का, और रश है या नहीं है। लेकिन नीचे तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, यकीन मानिए मेरे ख़्याल में 35 प्लस होगी इधर आज, 30 तो कन्फर्म है ना।
और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इन शुमाली इलाका जात के अंदर आते हैं तो सन ब्लॉक किसी अच्छी कंपनी के साथ आपने लाजमी ले के आएँ, क्योंकि अगर सन ब्लॉक आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी जिल जो है ना वो ख़राब हो जाएगी चेहरे की बहुत ही ज़्यादा। तो किसी अच्छी कंपनी का सन ब्लॉक वो ले लें और वो चेहरे पर लगाएँ ताकि आपका चेहरा जो है ना वो ख़राब ना हो, क्योंकि यहाँ पर सूरज की जो शुआएँ होती हैं वो डायरेक्ट पड़ रही होती हैं तो जिससे वो जिल जो है ना ऊपर से जल जाती है शायद। ये लिखा हुआ है जी, ओचोपोन विंटर सीज़न दिसंबर टू मार्च मारखोर व्यू पॉइंट। तो वो कह रहे थे इस टाइम के अंदर जो है ना मारखोर यहाँ से देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक लोकल भाई मिले, वो कह रहे थे ये शाम के टाइम आते हैं अक्सर जो है ना, लेकिन जून जुलाई जो है ये बहुत कम निकलते हैं, क्योंकि इनको जो है ना ये इस टाइम पर बेबीज़ वगैरह देते हैं तो ये उधर ही रहते हैं, बच्चों के पास ही रहते हैं, बहुत कम नीचे आते हैं। तो वो पॉइंट बना हुआ वहाँ से जाके ना आप इनका दर्शन कर सकते हैं मारखोर का, अगर नज़र आ जाए तो, अगर ना नज़र आए तो आपकी किस्मत है। और ये देखें सर माशाल्लाह फूल इस जगह से, ये देखें ये सामने का व्यू है कुछ ऐसा। ये देखें जी यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, ऊपर आ चुके हैं हम और ग्रीनरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और ये फूल देखें आप, ये माशाल्लाह, इसका नाम तो मुझे फूल का नहीं पता लेकिन देखें कितने प्यारे हैं ये फूल। तो यहाँ पे दो तरह के फूल हैं, एक ये हैं ब्लू कलर के अंदर, ये देखिए कितना ग्रीन है, और सामने पहाड़ के ऊपर देखें बर्फ़, और एक ये है ये देखें पिंक कलर के अंदर है और इसके साथ कांटे भी हैं। और वो जो सामने पहाड़ है ना वहाँ पे मारखोर जो है ना वो असर और शाम के टाइम वो नीचे आता है पानी पीने, फिर पानी पी के वो चला जाता है ऊपर। तो यहाँ पे यानी कि तितलियाँ और ये छोटी छोटी मक्खियाँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यानी कि वो रस चूस रही हैं फूलों का ना, ये देखें आप। और ये यहाँ से फिर चोटी के ऊपर जाके ऊपर है इसका जो लास्ट पॉइंट, वहाँ पे घाट बना हुआ है तो वहाँ तक हमने जाना है, फिर वापसी है हमारी। और ये इस साइड से व्यू करें ज़रा, और वो नीचे चित्राल सिटी रह गया इस साइड पे है। तो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हम आ चुके हैं इस टाइम, वो थोड़ा थोड़ा वहाँ से नज़र आ रहा है सिटी का जो व्यू है। तो यहाँ से अभी वो दो मोटरसाइकिल गुजरी हैं लेकिन वो मोटरसाइकिल बंद करके जा रहे थे यानी कि न्यूट्रल करके। तो आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपके मोटरसाइकिल की ब्रेक या गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए तो फिर जो है ना इसको रोकना नामुमकिन है। तो आपने ये गलती बिल्कुल करनी, वो देखें एक वो बाइक वाला और एक ये बाइक वाला, क्योंकि आपने इसको पहले या दूसरे गियर के अंदर ऐसे ऐसे नीचे लेके आना होता है, क्योंकि नीचे को उतराई बहुत ही ज़्यादा होती है और अगर ब्रेक ज़्यादा गर्म हो जाए तो ब्रेक फेल हो जाती है। और ये देखें इसका साइडों से व्यू कितना प्यारा है माशाल्लाह। ये यहाँ पे एक पौधा ऐसे लग रहा है जैसे सांप का आगे से सिर नहीं होता ऐसे लग रहा है, ये देखिए कितना प्यारा है। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी गई हैं, ये यहाँ पे चिड़ियाँ वगैरह हैं इस नेशनल पार्क के अंदर, और यहाँ पे लिखा हुआ है पत्थर गिराना मना है। और ये यहाँ पे जो यानी कि फूल वगैरह उनके यहाँ पर नाम वगैरह लिखे गए हैं, यहाँ पर हॉर्न बजाना भी मना है। और ये कुछ लिखा हुआ है प्रोसेस वगैरह, और ये इस तरफ का व्यू है। तो अभी हमने वहाँ पे जाना है ऊपर हाइट के ऊपर।
यहाँ पे ये जंगला लगाया गया है, शायद इसके अंदर कोई जानवर वगैरह इस तरह के, ताकि वो बाहर ना आ सके। और ये दरख्त हैं यहाँ पे, लेकिन फ़िलहाल हमें तो यहाँ पे कोई मारखोर नज़र नहीं आया, तो ऊपर जा कर देखते हैं शायद हमें मारखोर देखने को मिल जाए, लेकिन हमने अभी तक तो नहीं देखा। और ये देखिए यहाँ पे ये जंगला लगाया गया है, और यहाँ पे फूल काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसके ऊपर वो एक काटने वाली मक्खी होती है, हम तो उसको डीमो कहते हैं अपनी ज़बान के अंदर, आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना। यानी कि जो वो काटते हैं अक्सर घरों के अंदर होती है, या वो जो टीले होते हैं ना मिट्टी के, उनके अंदर उनका घर होता है, छत्ता बना हुआ है, वो बहुत यानी कि ज़ालम मक्खी काटती है ना, तो बंदे को बुखार हो जाता है लाजमी उसके साथ। तो वो मक्खी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर है इस पार्क के अंदर। इसके अलावा और भी तितलियाँ यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी हैं, फूलों के ऊपर जाकर बैठती हैं, लेकिन असल में यहाँ पे आने का सही टाइम जो है ना, वो शाम को असर के टाइम आ पाएँ यहाँ पे, तो वो सबसे बेस्ट है। तो अभी चलते हैं आगे। तो मोटरसाइकिल को किसी जगह के ऊपर हम पार्क करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी चित्राल का जो नेशनल पार्क है वहाँ पे। तो हमें यहाँ तक पहुँचने को तकरीबन 2 घंटे लगे थे, अभी हमने यहाँ से वापसी चले जाना है। तो और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बारिश के दौरान आपने बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि बारिश के दौरान रोड बहुत ज़्यादा स्लिपी हो जाएगा, और फिर वहाँ से आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल जो भी होगा वो फिसल सकता है। तो और व्यू पॉइंट से मैं थोड़ा सा नीचे आ चुका हूँ, यानी कि जो लास्ट पॉइंट था ना वहाँ पर था, उससे नीचे आ गया। और ये सारे दरख्त देखें, ये दियार के हैं, और यहाँ पे कुछ पौधे वो चिलगोजे के हैं, वहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन वहाँ पे वो छोटी सी फट्टी लगाई गई थी, तो वहाँ पे चिलगोजे का नाम लिखा हुआ था, तो उम्मीद है वो चिलगोजे का पौधा ही होगा। ये सारे दियार के दरख्त हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारे भाई जो हैं वो नीचे चित्राल से ऊपर आए हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने अपना कैंप भी लगाया हुआ है। क्या कहते हैं ये देखिए यहाँ का जो ये रहती है, यहाँ का रहती है ये देखिए। इसको क्या कहते हैं आप? दामामा। चित्राल, चित्राली जबान के अंदर। और वो जो है स्टिक कहते हैं, और ये भी साथ ही नहीं अच्छा ये वैसे ही रखा हुआ है असल, यानी कि इसी के साथ आप इसको बजाते हैं। और यहाँ पे चेयर्स वगैरह वो देखें लकड़ी की हैं, स्पेशल चेयर्स हैं, और ये टेबल ये भी लकड़ी का है, ये आपके लिए बनाई गई है, ताकि आप यहाँ पे बैठ के इस साइड का व्यू ले सकें। और यकीन मानिए इधर इतनी ज़्यादा गहरी खाई है ना, मज़ा भी आ रहा देखने का और डर भी लगता है, अगर अल्लाह ना करे यहाँ से बंदा वो नीचे जाएगा तो उसकी लाश भी यहाँ से नहीं मिलेगी, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। ये सेंटर से शायद वो कह रहे थे पानी आ रहा, तो अक्सर शाम के टाइम ना यहाँ से मारखोर वो नीचे उतरते हैं, पानी पीते हैं, वो उनका पीछे एक पॉइंट बना हुआ है, तो वहाँ से वो जो है ना पानी पी के फिर ऊपर चले जाते हैं पहाड़ों पे। लेकिन अभी तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। और वहाँ पे देखें वो छोटा सा टुकड़ा है मुकम्मल तौर पर ग्रीन, और वहाँ पर रंग बिरंगे फूल हैं, ज़्यादा यहाँ पर जो है ना वो येलो कलर के फूल उगे हुए हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आपने लाजमी बताना है। और इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, उसका यूज़र नेम भी यहाँ पे आ रहा होगा, और उसका जो मैं लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूँगा, तो उसको भी फॉलो कर लें। तो इसी के साथ दीजिए अपने भाई मोहम्मद अदनान को इजाज़त, मिलेंगे किसी और सफ़र के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
है।